हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेमराज मोटिवेशन सीएस में, और बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त हेमराज। हर बार की तरह इस बार फिर से लेकर आया हूं मोटिवेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो। इससे पहले हम आपने थंबनेल में देखा होगा मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके ऊपर ये वीडियो है। लेकिन इससे पहले हम वीडियो देख चुके हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को सबसे पहले देख लें, क्योंकि इस वीडियो के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको उस वीडियो की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहां पे लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करना है, वो वीडियो आपको दिख जाएगा, या ऊपर आई बटन में इसकी लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार और बता देता हूं कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको सबसे पहले मोटिवेशन क्या होता है, व्हाट इज मोटिवेशन क्या होता है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इस वीडियो को आप प्रॉपरली समझ पाओगे। वैसे इस वीडियो को भी आप समझ पाओगे, लेकिन उस वीडियो को समझने के बाद आप इसको प्रॉपरली समझ पाओगे, तो उस वीडियो को डेफिनेटली आप उसको सबसे पहले देखे। बाकी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले आपके भी माइंड में एक क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, कि मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों होती है, इस टॉपिक पर के ऊपर वीडियो है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर चैनल पर सबसे पहले आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस प्रकार की मोटिवेशन की वीडियो आपके पास आती रहेगी। ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों होती है? आज का हर इंसान सफल होना चाहता है, और जहां सफल होने की चाहत पैदा होती है वहां मोटिवेशन की आवश्यकता होती ही होती है। अब सफल होना किस प्रकार से चाहता है? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई नेचुरल टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहता है, कोई बॉलीवुड स्टार बनना चाहता है, एनी अनदर फील्ड। अब वो इंसान सक्सेसफुल है, लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, लोग उससे कुछ सीखना चाहते हैं, उसकी तरफ बनना चाहते हैं। अब सक्सेसफुल वो नहीं है जिसके पास में गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ है और ऑलरेडी उसने बहुत सारे वर्कआउट कर लिए। इसके अलावा वो इंसान भी सक्सेसफुल है जो अपने लक्ष्य के ऊपर काम कर रहा है, अपने लक्ष्य के ऊपर दिन रात मेहनत कर रहा है, और उस लक्ष्य के लिए एनी टाइम एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो भी 50% अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर है जो 100% में से 60% या 70% लोग ऐसे है जो अपने लाइफ में कोई भी गोल नहीं बनाते, कोई टारगेट नहीं बनाते, वो अपनी लाइफ में 50% भी सक्सेस नहीं है। लेकिन जो अपनी लाइफ में कुछ टारगेट्स बनाते हैं, कुछ ड्रीम्स बनाते हैं, वो ड्रीम्स के ऊपर डेली काम करते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, डेली उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, वो अपनी लाइफ में 50% तो सक्सेसफुल हो चुके हैं। बस उस काम को पूरा करने के लिए, उस काम में फेमस होने के लिए, उस काम को पूरा एंड तक पहुंचाने में वो 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको अगर सफल होना है, आपके अंदर मोटिवेशन की आग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान असफल है, क्या उससे कोई इंसान जुड़ना चाहता है? क्या उससे कोई सीखना चाहता है? नहीं सीखना चाहता है। और जो सफल हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में एक चीज ऐड की है, वो है मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के अपनी लाइफ बस गुजरती है, आपकी लाइफ बस गुजरती जाती है कि हम कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, और यह सोचते सोचते ही जिंदगी कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता है। आज के इस समय की बात की जाए तो कितनी एज होती है हर इंसान की? आने वाले समय में कितनी एज होगी? यही 40-50, इससे ज्यादा कोई जीने वाला नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, नहीं, लेकिन आपको खुद को पता है आज का इंसान कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है, और इसी के साथ में उसके सपने भी खत्म हो जाते हैं। अगर उसने सपने बनाए हैं तो वो कम उम्र में, कम एज में वो सपने को हासिल कर सकता है, लेकिन हासिल भी तब कर सकता है जब उसने अपने पास में एक टेबलेट रखा है, जो टेबलेट है मोटिवेशन, यूनिवर्सल मोटिवेशन, जो यूनिवर्सल सिस्टमों को फॉलो करते हुए अपने लाइफ में काम करता है, वही अपनी सफलता को अर्जित कर पाता है। और सफलता प्राप्त करना है, मोटिवेशन को ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह कोई शौक नहीं है मोटिवेशन को ऐड करना कि मैं मोटिवेशन हूं, मेरे अंदर एक्साइटमेंट है कि मैं कुछ काम करूंगा, नहीं, यह जरूरत हो चुका है। आज का हर स्टूडेंट से देख लिया जाए, कोई इंसान अगर जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, थोड़ा बहुत काम करता है, उसके बाद में डिमोटिवेट हो जाता है, यार मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस काम में मैं सफलता हासिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, डिमोटिवेट। और वही डिमोटिवेट हो जाता है अगर उसको मोटिवेशन का रियल मीन्स पता नहीं है कि मोटिवेशन एक ऐसी टेबलेट से है जो मेरे को मेरे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, मेरे को मेरे लक्ष्य तक डेफिनेटली पहुंचा सकती है।
अगर उसको पता है तो डेफिनेटली मोटिवेशन को फॉलो करेगा, मोटिवेशन को सुनेगा, समझेगा और फिर काम करना स्टार्ट कर देगा। मोटिवेशन का मतलब नहीं है सॉन्ग सुन लिया मोटिवेट हो गए काम करना, नहीं, मोटिवेशन का नॉलेज लेना, मोटिवेशन का ज्ञान लेना रियल मोटिवेशन कहलाता है। बहुत सारे लोग आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट है मेरे पास बहुत है, कुछ काम नहीं किया, कुछ एफर्ट्स नहीं किया और संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरे पास जो है बहुत कुछ है, और आत्मसंतुष्ट इंसान अपने आप को कभी मोटिवेट नहीं कर पाता है। इसके अलावा उस इंसान की बात नहीं हो रही जो मेहनत करने के बावजूद कुछ प्राप्त किया है, वो आत्मसंतुष्ट हो सकता है क्योंकि उसने मेहनत करके हासिल किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ मेहनत नहीं किया है और संतुष्ट हो गए कि ये जो है ऐसे दो टाइम का खाना खाएंगे और जिंदगी निकल जाएगी। आत्मसंतुष्ट व्यक्ति अपने आप को कभी मोटिवेट नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने जरूरतों की चीजों का एहसास ही नहीं कर पाते, और जब जरूरतों की चीजें ही नहीं रहेगी तो क्यों वो सपने बनाएगा, और अगर सपने ही नहीं है तो क्यों वो सफल होने की कोशिश करेगा, और अगर सफल होने की कोशिश ही नहीं करेगा तो मोटिवेशन होने की जरूरत क्यों है, मोटिवेट होने की जरूरत क्यों है। लेकिन अगर आपके सपने हैं, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो आपके पास जो चीज नहीं थी वो आज ऐड कर लीजिए, आज के आज ही ऐड कर लीजिए, वो है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन किस प्रकार से ऐड करें क्या है, ये वीडियो तो मैं लेकर आता ही रह रहा हूं। इससे पहले भी मैंने बता दिया कि मोटिवेशन क्या होता है, वो वीडियो पूरा देखे उसके बाद ये वीडियो आपको समझ आएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे इस वीडियो में आने वाले हैं, अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि मोटिवेशन किस प्रकार से काम करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार से लगी। और हाँ, एक गुड न्यूज, ये मोटिवेशन प्रेरक मोटिवेशन का चैप्टर क्लियर होने के बावजूद एक ऐसी वीडियो लेकर आने वाला हूं आपके लिए, ऐसी वीडियो लेकर आने वाला हूं जो दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन है, वो लोग उसी को फॉलो करने के बावजूद बिजनेसमैन बने हैं, टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़े हैं, कुछ स्टार बने, किसी भी फील्ड में सक्सेस हुए तो उसी नॉलेज की वजह से बने हैं, उसी चैप्टर की वजह से बने, उसी मोटिवेशन वीडियो को सुनने के बाद बने, उसी कॉपी को राइट करने के बाद, उसी कॉपी को रीडिंग करने के बाद में, उसी चीज को पढ़ने के बाद में सफल हुए। तो उस वीडियो के लिए, उन वीडियो को सुनने के लिए पहले इन वीडियो को देखिए, आप मोटिवेशन के बारे में जानिए, उसके बाद में वो वीडियो लेकर आने वाला हूं। बाकी आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं आज की वीडियो में, इतना ही। बाकी आपका प्रेम इसी प्रकार से बना रहे, आपका प्रेम कमेंट में जरूर बताएं। बाकी चलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।